और देखिए दोस्तों, हम हो गए हैं अपने चेतक पे सवार। चेतक यानी कि हमारी मोटर बाइक। और अब हम चलते हैं मीटिंग्स के लिए, काम की तलाश में। होपफुली आज की मीटिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, तो मीटिंग तो चलती रहती हैं। और ये देखिए हम चले हैं अपनी बाइक पर। और चलिए गाइस, तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने घर से सफ़र पे। हम जा रहे हैं लोखंडवाला, अंधेरी लोखंडवाला। और यहाँ पर एक मॉल है, उस मॉल के अंदर मुझे किसी से मिलना है। लेकिन उससे पहले ये देखिए मुंबई के बिल्डिंगों के बड़े खूबसूरत ऊंची-ऊंची इमारतें, बड़े ब्यूटीफुल नज़ारे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुंबई के नज़ारे दिखा रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, रहजाज की बिल्डिंग्स हैं। राइट में रनवॉल है और इसके आगे मेरा पुराना घर था कभी, जहाँ जाकर मैं अपनी बाइक को पार्क करूँगा। वहाँ पार्क करने के कई सारे रीजंस हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल ये नज़ारे कीजिए इतनी खूबसूरत सड़क के। मैंने एक मित्र की मदद से पीछे उसको बिठा के रिकॉर्ड किया है ये वीडियो। अब देखिए मैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे अपनी बाइक पार्क करनी है। और ये देखिए टर्न ले लिया है मैंने और अब मैं करूँगा अपनी बाइक को पार्क। ये देखिए हो गई है मेरी बाइक अब पार्क। अब चलेंगे आगे की तरफ। और देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से हम लोखंडवाला की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं इंफिनिटी मॉल। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, बहुत ही सुंदर मॉल है ये। देखिए आप, बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने दोस्त को तलाश रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मैं मिलने आया हूँ अपने एक सीनियर, पुराने बड़े भाई जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहुत सीनियर एक्टर हैं। दो वो बहुत बड़े स्टार नहीं हैं अभी तक, लेकिन बनेंगे। तो चलिए मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। सीधे रतन लाल भाई। भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई, बताएं अपने बारे में कुछ। मुंबई में 20 सालों से फिल्म, सीरियल, नाटक, थिएटर, शॉर्ट फिल्म, टेलीफिल्म, इसमें वेब सीरीज का दौर चल रहा है। इसमें मैंने महारानी 2 भी लेटेस्ट किया है, रेड बिल्डिंग ऑफ मुमलीज एंड द चार्ज शीट, एक फिल्म आने वाली कांसेंस की स्क्रीनिंग होनी है, बैंडिट शकुंतला गना पर दिसंबर में उसकी रिलीजिंग होती है। और ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो मार्केट में आई नहीं, और जो फिल्में आ चुकी हैं उनमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, फोर्स 1, चिल्लर पार्टी, श्रीकांत, टोनी, चौहर, धमा चौकड़ी, बोज द फॉरगॉटन हीरो, खाकी, मैं माधु विष्णु बनना चाहती हूँ, रवि किशन, पूरब और पश्चिम, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो आई चली गई, कुछ रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। मुंबई जिंदाबाद। स्ट्रगल है कि हमारे बहुत सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, जोश में कोई कमी नहीं है। एक ज़माने में हम पड़ोस में रहा करते थे, बिल्कुल हमारे पड़ोस में विजय राज जी भी थे, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी थे। देखिए नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी कितने बड़े स्टार हो गए हैं, विजय राज जी भी कितने बड़े स्टार हो गए हैं। और देखो सर ने भी इतनी सारी फिल्म की हैं, मैंने अभी नहीं की हूँ उतनी। तो ये आपके जो साथ में थे, जो सीनियर्स थे, जो बड़े स्टार बन चुके हैं, उनमें कौन कौन से नाम हैं? उनमें एक नाम अभी लेटेस्ट जो हमारे बीच से निकले हुए हैं, पंकज त्रिपाठी, जिनके साथ मैंने कागज़ फिल्म में अभिनय किया साथ में, सतीश कौशिक के डायरेक्शन में सीतापुर लखनऊ जी की मैं शूटिंग हुई थी। और उसके बाद फिल्म को बने 4 साल हो गए हैं और दोबारा कागज़ 2 के नाम से भी फिल्म बनी है। रतनलाल भाई ये बताइए कि जो आपके NSD से निकले दिग्गज कौन कौन है इंडस्ट्री में?
दस दिन में तो अनुपम खेर साहब हैं, नसीर साहब हैं, अंकुल साहब भी है, राणा आशुतोष राणा जी हैं, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, तो उनसे मुलाकात होती है कभी भी? अभी तो गाहे बगाहे, पहले बहुत हुआ करती थी, हम लोग मिला करते थे साउथ की मीटिंग में, एनएचबी की मीटिंग, लेकिन सिंटा की मीट, सिंटा के तो अपने प्रेसिडेंट भी थे ना ओमपुरी साहब हमारे सामने, हम हाँ, चेयरमैन थे सिंटा के, तो उन्हें हम नहीं चुना था उनको, हाँ हम नहीं चुना, लेकिन वो नहीं रहे, लेकिन वो नहीं रहे दुर्भाग्य से। मुकेश तिवारी हैं सिंटा की मीटिंग में, तो अभी किसी से मुलाकात होती है उन लोगों में से सुनने सुने? अक्सर कहीं ना कहीं वो ही जाती है, पृथ्वी थिएटर जाना होता है तो वहाँ मिल जाती है। पृथ्वी थिएटर जो है बड़ी मशहूर जगह है, उसके बारे में बताइए सर। पृथ्वी थिएटर, पृथ्वी थिएटर का अपना एक बहुत पुराना इतिहास है, फिल्म उद्योग के भी लिए और थिएटर के लिए भी इसका एक काफ़ी अहमियत है। पहले शशि कपूर साहब उसको चलाते थे, उनके जाने के बाद उनकी बेटी है, क्या नाम है उनका, संजना कपूर चलाती है, और चलाती थी उसके बाद उनके भाई है कुणाल, अच्छा वो चलते चलाते हैं। बहुत ही बड़ी मशहूर जगह है, सारे बड़े बड़े शोज वहाँ होते हैं, और कभी मैं आपको पृथ्वी थिएटर भी लेकर चलूँगा। हम चलते हैं बाहर चाय, चुस्की वाली चाय, और देखिए दोस्तों हम आए थे यहाँ पर चाय की टपरी में चुस्की वाली चाय पीने, और यहाँ पर हमारे बहुत ही सीनियर दिग्गज कलाकार जिन्हें आपने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि हॉलीवुड की फिल्म द हिस में भी देखा था, सन्नी चार्ल्स। सन्नी भाई स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। सन्नी चार्ल्स बहुत ही सीनियर कलाकार, बहुत ही अच्छे इंसान, और हमारे जैसे छोटे कलाकारों को भी अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। तो सन्नी भाई दो वर्ड्स मेरे बारे में, सलीम को कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं जी? हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जब हम स्ट्रगल करते थे तो इकट्ठा हमने बहुत स्ट्रगल किया है, और मुझे लगता है कि हमने काम भी किया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज अचानक हम मिले, बहुत टाइम के बाद मिले, और बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करें। थैंक यू सन्नी जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों ये तो उन्होंने मेरे बारे में कहा, अब मैं जानना चाहता हूँ, और मैं तो जानता ही हूँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ उनके जरिए कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्म्स की हैं। सर सन्नी जी आपने कौन कौन सी फिल्म्स की हैं जरा बताएं प्लीज। अभी रिसेंट तो मेरी रिलीज हुई थी, लॉकडाउन से पहले रिलीज हुई है, आपने देखी होगी मुन्ना माइकल, जिसमें मैंने महेंद्र का फादर यानी कि नवाजुद्दीन के फादर का रोल प्ले किया। अरे और और उसके बाद मैंने अभी मेरी रिलीज हुई है प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, अरे वाह, उसके बाद खाप अभी मेरी रिलीज हुई है, नचिकेता मेरी एक फिल्म आ रही है अभी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उसको 28 अवार्ड आए हैं, और एक मेरी तमिल में नेटफ्लिक्स पे पिक्चर चल रही है मेहंदी सर्कस, जिसमें मैंने श्वेता त्रिपाठी का फादर रोल किया। अरे वाह सर, ये बताइए वो जो आपने हिस फिल्म की थी मल्लिका शेरावत, उसका उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जंगलों में शूट किया हमने, और मल्लिका जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने उनके सेक्रीफाई ये था कि वो जो पूरा ड्रेस पहनती थी तो पहन के वो बहुत देर तक उनको लेते रहना पड़ता था, ना कुछ खा सकती थी, सिर्फ पीती ही थी। और क्या पीती थी ये ज्यादा कहना जरूरी है? नहीं जूस ही पीना है और क्या। और ये देखिए दोस्तों चाय आ गई है, टपरी वाली चाय, और सारे हमारे जो कलाकार दोस्त है सब चाय ले रहे हैं, चाय लीजिए सब लोग प्लीज, और देखिए फिर चाय की चुस्कियों के साथ दीजिए, भाई को चाय दीजिए सर, चाय नहीं उधर दीजिए प्लीज, और ये देखिए चाय की दो भाई, चाय कितनी हो भाई, बस और नहीं एक बजे एक उनको सनी भाई चाय, तो देखिए चाय की चुस्कियाँ चीनी वाली है, रहने दो रहने दो, चलिए ये देखिए दोस्तों टपरी वाली चाय का मज़ा ही कुछ अलग है, यहाँ सब बैठ के पीते हैं, मज़ा आता है, और कभी कभी शूटिंग सेट पर होते हैं तो बड़ी बड़ी वैनिटी शूटिंग सेट्स, कभी कभी बड़े बड़े होटल्स, लेकिन यहाँ का अपना मज़ा है, देखिए वाह टपरी वाली चाय इन्फिनिटी मॉल के सामने। तो दोस्तों मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहता हूँ, इंडस्ट्री की जानकारी देते रहता हूँ, अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।